इस वक्त मौजूद हैं रफ़ी साहब के कमरे में, और रफ़ी साहब के जो कहेंगे पहचान जो है शाहिद साहब जो हैं, वो आज की दुनिया में जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं वो शाहिद साहब को देख के रफ़ी साहब को याद करते हैं। और क्योंकि शाहिद साहब के अंदर रफ़ी साहब की हर चीज़ नज़र आती है लोगों को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम ये कहेंगे शाहिद भाई कि 99 बर्थडे है और अब 100 ईयर में आ रहे हैं, और बहुत मुबारक देंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। आज 99 सालगिरह बागी, और काफ़ी आपने देखे कि काफ़ी लोग यहाँ पे जमा हुए थे उनके बर्थडे मनाने के लिए। तो ये हर साल होता है अपना, सिर्फ ये और अपना हर साल तो होता ही होता है इतने तादाद में, लेकिन रोज़ अपना कोई ना कोई अपने एक आध आदमी आता ही, बाहर से आता है और ये म्यूज़ियम देखने के लिए अपना बेताब रहता है कि मतलब अपना हम ये चीज़ देखें। और बेशक अपना अब्बा की याद तो भुलाई नहीं जा सकती है, वो तो हमेशा दिल में रहती है। तो हाँ, ये मौका ऐसा है कि मतलब अपने उनकी सेंटेनरी है, और फिर इंशाल्लाह देखिए क्या अपना आगे जो होगा इंशाल्लाह। अभी आप देख रहे थे जब केक कटिंग हो रही थी नीचे, तो आपकी आंखों में आंसू आ रहे थे बहुत ज़बरदस्त। हमें यकीन है कि अब्बा याद आ रहे थे आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपना बहुत मतलब जाहिर सी बात है, जो लोगों का जो प्यार देखा वो देख देख के मतलब अपना दिल भर आया था मेरा, कि मतलब देखो यार वाकई में अपने अब्बा ने ऐसा अल्लाह ताला ने उनको नवाजा था। ये तो ऊपर वाले की मतलब ये थी कि मतलब देन थी अब्बा को, कि गायक के साथ साथ वो इंसान भी बहुत अच्छे थे। तो वो चीज़ अपना शायद लोगों को ज़्यादा अपने नज़दीक आई है उनके, तो वो चीज़ देख कर आंखों में ज़रा थोड़ा सा इमोशनल हो। जब लोग ये बोलते हैं कि शाहिद भाई आपको देखे कि आपको देख के रफ़ी साहब की याद आ जाती है, वो क्या फीलिंग होती है आपकी? अच्छा भी लगता है और अजीब सा लगता है, क्योंकि बड़े बड़े बुजुर्ग मेरे पैर छूते ना, तो मेरे को बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन फिर भी ये उनकी मोहब्बत है, और वो कहते भी हैं कि मतलब अपने हम तो रफ़ी साहब को देखते हैं आपने, तो बस जो अल्लाह की जो मंजूरी है। इसमें कोई शक नहीं। एक चीज़ पूछेंगे आपसे कि रफ़ी साहब को जो प्यार मोहब्बत आज तक जो चली आ रही है, ये क्या मानते हैं? मतलब हर आदमी कहता है फरिश्ता सिफत इंसान, हमने आज तक कभी किसी को मोहम्मद रफ़ी कहते नहीं सुना, रफ़ी साहब ही कहते सुना है, चाहे वो आज की जनरेशन हो चाहे पहले की हो। तो ये जो एक मुकाम है वालिद का, एक बेटे की नज़र से क्या है? मैं तो यही बोलूँगा कि ये तो अल्लाह की देन थी। सबसे पहली बात तो ये कि मतलब, और अब्बा खुद कहते थे कि जो भी कुछ है मेरा, जो भी कुछ मैंने किया और जो मैं कुछ कर रहा हूँ, ये सब अल्लाह की देन है, और मेरी कोई औकात नहीं है। जो भी करवा रहा है ये ऊपर वाला ही करवा रहा है, मेरे से जो गवा भी रहा है वो अपने ऊपर वाला करवा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने जैसे अब्बा ने कहा, और ये हकीकत भी है कि मतलब अल्लाह की देन है। इसमें कोई शक नहीं। और रफ़ी साहब को सभी लोग जो ऐसा मानते हैं जैसे वो उनके बिल्कुल अपने हैं, और इसमें कोई शक नहीं, सभी लोग उनको दिल से प्यार करते हैं। ये हमको ऐसा लगता है कि जब तक ये दुनिया कायम रहेगी रफ़ी साहब को लोग ऐसे ही चाहते रहेंगे आने वाली जनरेशन की जनरेशन में। और हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।